भोजपुरी के स्टार खेसारी लाल यादव, जो कि भोजपुरी फिल्म के क्षेत्र में अच्छी ख्याति रखते हैं, दर्शकों के दिलों की धड़कन बने इस भोजपुरी कलाकार का गोरखपुर में एक फिल्म बल्लम जी लव यू की शूटिंग के दौरान हुई पार्क में आगमन हुआ। हमारे गोरखपुर न्यूज संवाददाता परवीन कुशवाहा ने फिल्म के शूटिंग के सेट पर जाकर भोजपुरी के स्टार खेसारी लाल यादव से एक विशेष बातचीत की, जिसके दौरान उन्होंने बताया कि वह इस फिल्म को लेकर काफी उत्सुक हैं और आने वाले समय में जो भी फिल्म रिलीज होगी वो सभी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ देगी। उन्होंने अपने बातचीत के दौरान हमारे संवाददाता से कहा कि वह गोरखपुर की जनता का भी कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहते हैं। अपनी एक विशेष बातचीत के दौरान उन्होंने बताया, आज आप गोरखपुर में हैं और किस तरह की कौन सी पिक्चर की शूटिंग चल रही है यहाँ पे? बस सबसे पहले गोरखपुर न्यूज के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको प्रणाम। और ये मैं बल्लम जी लव यू ये सिनेमा है मेरा, जिसके डायरेक्टर प्रियांशु जी, जिन्होंने मेरी पहली फिल्म बनाई थी साजन चले ससुराल, करीब दर्जनों फिल्म के साथ कर चुका हूँ। और प्रोड्यूसर हैं अनंत जी, मेरे को एक्टर हैं काजल रखवानी जी, हमारे कॉमेडियन में जो है संजय महानंद उर्फ गोधन, जो कि इनका नाम बड़ा चर्चित है गोधन के नाम से, जो कि मेहंदी लगा के रखना में इन्होंने बड़ा अच्छा भूमिका किया था उसकी वजह से। और बड़ा मज़ा आ रहा है अपने होम टाउन में, कहीं ना कहीं बिहार रूपी हमारी माँ है और उस मिट्टी का अपने आप को प्रेजेंट करने में और काम करने में अच्छा लग रहा है। बड़ा कोऑपरेटिव लोग है, थोड़ा क्राउड तो हो रहा है, यहाँ तंग बच्चे नहीं बुजुर्ग बड़ा कर रहे हैं इस पार्क में हटते ही नहीं है बेचारे, कहते हैं कि नहीं हम 9 से 9:30 बजे तक बैठे हैं, हम बैठते हैं डेली बैठेंगे उसके बाद शूटिंग करना, लेकिन ठीक है मज़ा आ रहा है, उनका प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। विशेषता इस पिक्चर की खासियत क्या है? विशेषता यही है कि देखिए हमारे बच्चे, अरे कहानी ऐसी है कि बाप मरते समय माँ से बोला है कि अपना बच्चा जहाँ जाना चाहे इसको जाने देना, बशर्ते कोई गलत काम ना करे। और रुचि हमारी, अब मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ, फनी हूँ, और फिर माँ का एक सपना होता है लेकिन उस सपने को कभी जाहिर नहीं करती है, और जिस दिन जाहिर करती है उस दिन उसका डेथ हो जाता है और जाहिर करके भगवान को प्यारी हो जाती है, उसके बाद उसके सपने को पूरा करता हूँ मैं और फिर बाकी चीज़ें होती है। आने वाली कोई और अच्छी? आने वाली मेरी सिनेमा है अभी जो राजा जानी है, दबंग सरकार है, संघर्ष है और नागदेव है। कोई आपका पर्सनल एल्बम भी है जिस पे काम चल रहा है? हाँ, बस कांवर का भजन गाता ही हूँ मैं, क्योंकि मेरे मैं सिनेमा छोड़ देता हूँ लेकिन गायकी नहीं छोड़ता, क्योंकि मेरी पहचान मेरी गायकी से है, तो कोशिश रहती है कि उसको सबसे पहले अहमियत दें हम। सिनेमा तो उसके वजह से ही मुझे मिला है, तो मेरा ज़्यादा झुकाव अपने एल्बम की तरफ होता है और कोशिश करता है आदमी की हर वक्त लोगों के दिल में और दिमाग में रहे।